नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आज पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, मानव का विकास जो होता है वह सतत प्रक्रिया है, वह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शारीरिक विकास जो हमारे शरीर का विकास होता है वह एक सीमा तक होता है और वहाँ से रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। और मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य करने की इच्छा, तो जैसे कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति, वह एक एक कार्य में या किसी न किसी क्षेत्र में विकास करता रहता है। उसी को मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषी, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे थंबनेल पर आप सभी देख पाए होंगे कि यह यूपी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी में यह काम देगा। जबकि ही एमए का भी बाल विकास चैप्टर है, उसके लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। इन स्तरों को भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जो मनीषियाँ मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभक्त किया है। जबकि नंबर 1 है गर्भावस्था, गर्भधान के से जन्म तक की अवस्था, और नंबर 2 है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। नंबर 3 है बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था, किशोरावस्था। नंबर 4 है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्थाओं को किशोरावस्था कहते हैं। और नंबर 5 युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवस्था युवावस्था होती है। और नंबर 6 प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है। और वृद्धावस्था, नंबर 7 वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक की जो अवस्थाएं होती हैं वह वृद्धावस्था कहलाती हैं। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर हम देखते हैं कि इन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में जहाँ 4 अवस्थाओं के बारे में ही ज़्यादा जिक्र किया जाता है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक होती हैं। और नंबर 2 बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक होती हैं। और नंबर 3 किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक होते हैं। नंबर 4 वयस्क अवस्था, 18 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को वयस्क अवस्था कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बाल विकास में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आगे चलते हैं, जिसमें इन 3 अवस्थाओं का वर्णन अच्छे से करते हैं, सविस्तार से जानते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति ही बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने के सर्वोत्तम
अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसका नोट करते समय या अंडरलाइन कर लें, जिससे कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, प्रश्न पूछा जाता है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आगे देखते हैं बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष के में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में, जी हाँ दोस्तों, 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक की लंबाई एवं भार वजन भी बढ़ता है। इसी काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों को की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, जैसे किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था जो होती है वह किशोरावस्था में मानी जाती है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था से वह पूर्ण परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। और 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा, जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 से 14 वर्ष की आयु में के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। जी हाँ दोस्तों, इतना हम पढ़ चुके हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।